लाल सोने के नाम से मशहूर सोलन के टमाटरों का इन दिनों किसानों को उचित दाम मिल रहे हैं। इस मर्तबा टमाटर की प्रति करेट 700 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक बिक रही है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का मेहताना मिल रहा है। बीते 2-3 वर्षों के टमाटर के दाम नगण्य थे। टमाटर के बेहतर दाम मिलने का मुख्य कारण टमाटर की फसल कम लगना एवं बारिश से फसल खराब होना है। किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें इस बार टमाटर के उचित दाम मिल रहे हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो रही है। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में टमाटर के दाम बेहद कम थे, जिसकी भरपाई इस रेट से हो रही है। मैं शिमला से हूँ, टमाटर लेके आए थे, बहुत बढ़िया रेट है। पिछली बारी बहुत ही डाउन था रेट, इस बारी बहुत बढ़िया रेट है, किसान खुश है। क्या रेट चला? बहुत बढ़िया रेट है जी, आज 2200, 2300, 2400 तक भी बिका है, तो हम इस बात से सहमत है। तो आपको मेहनत निकल रही है? नहीं, निकल रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फागू से हम, इस बार बहुत ही खुश है, ऐसे ही रेट मिलते रहे, हम बहुत खुश है। क्या रेट मिला, कितना टमाटर लेके आए थे? मैं आया था 50 क्रेट लेके, 2400 का रेट मिला, हम बहुत खुश है, ऐसे रेट मिलते रहे, हम बहुत खुश है। मेरा नाम भीम सिंह है जी, और मैं आज टमाटर लेके आया था। मेरे थी आज 15 क्रेटें थी जी, मेरी बिकी 2031 रुपये जी, और आगे कल भी थी जी, मेरे कल ही बिकी मेरे 2225 रुपये जी, और आप देखेंगे बीन बिकी मेरी 40 रुपये जी। किस तरह से टमाटर के रेट? टमाटर रेट अच्छा है जी सर, टमाटर इतना है नहीं जी हिमाचल में, टमाटर महाराष्ट्र खराब ख़त्म हो गया, नीचे राजस्थान हुआ, बेंगलोर हुआ, उधर लोकल टमाटर खत्म है इस बार बारिश की वजह से, और यहाँ हिमाचल में भी मतलब 50% कम लगा हुआ टमाटर, और कोई बारिश ज़्यादा हो गया जी, और गर्मी पड़ गई इस वजह से टमाटर भी ख़राब हो गया जी, फसलें कम आ रही है मंडी में। तो जो रेट है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, तो पिछली बार तो हमने 160-170 बेची थी, चलो फिर भी क्या करना, तो संतुष्टि होना पर जी, इंसान को जितना मर्जी हो तब भी नहीं संतुष्ट होता जी। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।